तो दोस्तों आज हम किसी जंगल में नहीं बल्कि अपने घर के आंगन में आज हम करेंगे कार कैंपिंग। दरअसल ये मेरा पहला कार कैंप होगा और इसमें हम कार कैंपिंग करके ये देखेंगे कि हमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, जिससे कि हम उनसे सीखें और जब हम असल में कार कैंपिंग करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं कार कैंपिंग। सेटअप हो गया रेडी। हमने अपने बारबेक्यू में कुछ लकड़ियाँ डाल दी हैं और लकड़ी डालने के साथ ही अभी क्योंकि आग थोड़ी तेज है तो अभी हम इस पर जो आपको बता देता हूँ पनीर टिक्का बनाने का हमारा प्लान है। तो अभी पनीर टिक्का तो इस पर नहीं बन पाएगा, आग बहुत तेज है। तो तब तक के लिए ऐसा करते हैं कि हम लोग सूप से स्टार्टिंग करते हैं, टोमेटो सूप बनाते हैं और उसके बाद जब तक ये आग थोड़ी ठंडी हो जाएगी फिर इसके कोयलों को ऊपर रख के फिर उस पर बनाएंगे पनीर टिक्का। तो चलिए शुरू करते हैं टमाटो सूप। बहन जो बात कर और हमारे फार्म हाउस पे गीदड़ की आवाज आते हुए, गीदड़ फिर से बोलो एक्चुअली क्या है, बहुत सारे गीदड़ जब उन्होंने देखा कि हम खाना बना रहे हैं अपने फार्म हाउस पे तो वो लोग आ चुके हैं और इस तरह की आवाज लगा के वो लोग चाह रहे हैं कि हम उन्हें भी कुछ शेयर दे रहे हैं। तो हम देखेंगे कि कितना शेयर दिया जाए क्योंकि खाना तो आज हम खूब बना रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपके आगे प्याज काट रहा हूँ और आज आपको एक नई तरह की रेसिपी दिखाने वाला हूँ जो कि आपने शायद ही आज तक देखी होगी, ये किसी टीवी पर भी नहीं मिलेगी आपको। इसका नाम मुझे भी नहीं मालूम पर मैं ये बता दूं कि ये है एग करी। आप जो एग करी बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट हो गई है और ये आपको मालूम पड़ा। अरे बस भी चलाते भी रहे बीच बीच में जिससे कि इसमें कोई गांठ वांठ नहीं रहे। उसको मैं आपको खिलाऊंगा आज एग करी जो कि एक इंडियन स्टाइल में नहीं बनेगी, एक विदेशी स्टाइल में। एक मेरा फ्रेंड था उससे मैंने फेसबुक पर सीखी थी और आज मैं आपको वही बना के खिलाऊंगा। अभी हम प्याज काटेंगे, प्याज के बाद में शिमला मिर्च कटेगी, टमाटर कटेगा और भी बहुत सारी चीजें देखते रहिए। मुझे लगता है हमारा सूप बन चुका है तो हाथ अपना बचा के रखना है हमको, है ना, काफी गर्म हुआ है तो इसे नीचे उतार लेते हैं पहले जिससे कि हाथ ना जले। सर्व कर तो दोस्तों सूप रेडी है, देखते हैं कैसा बना है।
अरे मतलब मुझे लगता है कि आग पे तपने के बाद, गैस पे जो बनता है उसका टेस्ट अलग होता है, आग पे तपने के बाद इस सूप का भी टेस्ट चेंज हो गया। और ये माहौल, ये रात, ये चमकते हुए तारे, मजा ही आ गया। तो दोस्तों इसमें हमने डाल दिया सरसों का तेल, और सरसों का तेल हो चुका है गर्म। तो अब बताइए इनमें से प्याज, टमाटर और शिमला में सबसे पहले क्या डलेगा? मुझे मालूम है आप सब लोग जानते हैं प्याज, पर कोई मुझे ये बताएगा बेचारी प्याज ही क्यों हमेशा बलिदान होती है सबसे पहले? इसका जवाब दो यार मेरे को कोई। सबसे पहले बताइए आप बताइए। प्याज इसलिए बलिदान होती है कि ये माहौल बना देती है बाकी चीजों को, माहौल बना देती है। आग बहुत तेज है तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। और हमारी प्याज हो चुकी है हल्की सी ब्राउन, सुनहरा कलर आ चुका है इसका। तो हम डालते हैं इसमें शिमला मिर्च। यस, अभी एकरी बन रही है। और इधर देखो साइड में चल रहा है। तो इधर हमारे साथ जुड़ गए हमारे कुछ व्यूअर, हमारे वीडियोग्राफर बैठे हुए, हमारे दो जानवर हैं इधर। इधर दिखाइए। तो हमारे साथ जुड़ गए कुछ व्यूअर्स जो कि हमारे आगरा राइडर्स के फैन हैं। उन्हें जैसे ही पता चला कि आज हम कैंपिंग कर रहे हैं और कुछ बना रहे हैं, तो वो उनसे रहा नहीं गया और वो लाइव हमारी सारी एक्टिविटी देख रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है एकरी बनते हुए? मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है? अभी तक थोड़ा कैमरे को उधर। और इधर बनने के बाद डिपेंड करता है कैसी, देखो बनने के दोनों के मसाले लेके मसाला दोनों के। तो ये हमने डाला है इसमें नमक, धनिया में हल्दी पाउडर, मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला स्वाद अनुसार, मिर्च थोड़ी और ज्यादा कर देता हूँ। अब मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ, इस करी का नाम है अफगान करी। ये अफगानिस्तान में बनाई जाती है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था इसकी रेसिपी। ये अफगानिस्तान की एक करी देख रहे हैं तालिबान। तो ये तैयार हो गई हमारी अफगानी एक करी, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास धनिया, हरा धनिया नहीं है, नहीं तो इसके ऊपर हरा धनिया डाल के सीजनिंग करके इसे और बढ़िया बनाया जा सकता था, पर
मुझे पूरा विश्वास है कि टेस्ट में कोई कमी नहीं होगी। अभी हम कुछ रोटी परांठा कुछ बनवा रहे हैं, उसके साथ में देखते हैं इसे टेस्ट, फिर आपको बताते हैं कैसे। तो दोस्तों, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताना। वैसे कैंपिंग करने में हमें तो बहुत मज़ा आया, और इससे और अच्छा किया जा सकता था, पर कुछ कमियां थी। उन कमियों को मैं नेक्स्ट अपना जब सचमुच में कहीं बाहर कैंप करने जाऊंगा तब उन कमियों को दूर करूंगा। और मुझे बहुत मज़ा आया, और आज रात को मैं इसी कार में यहीं पर सोने वाला हूँ, गर्मी लगेगी तो एसी भी चला लूँगा। और दोस्तों, आपको बहुत दिनों से मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मेरे वीडियो लगातार आते रहेंगे, और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट मेरे को देते रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।